अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर मियां मुनव्वर। आज का हमारा बेहतरीन मौजू कि हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। ज़िंदगी के 10 असूल अपना लें। अगर आपने 10 असूल अपना लिए तो नाकामी का कभी भी आपको मुंह नहीं देखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला असूल, रोज़ाना अपना हदफ मुकर्रर करें। यानी आपने कोई काम करना है तो उसको ये ना कहें कि मैं कल करूँगा, उसको आज ही करें। और अगर आपने कोई टारगेट तैयार करना है तो उसको भी आज ही फैसला करें कि मेरा ये टारगेट है, आज का काम कल पे डालेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। दूसरा आदत, सुनने की आदत डालें। याद रखें, दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो बेहतरीन समात रखते हैं। बेहतरीन बोलने वाला उतना कामयाब नहीं होता जितना बेहतरीन सुनने वाला कामयाब होता है। और आप अपनी समात को हाजिर रखें और ऐसे लोगों को देखें जो आपकी समात को अच्छे लगते हैं, तो अच्छा सुने, अपना बोलें कम और सुने ज़्यादा। नंबर 3, सेहत पर समझौता ना करें। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और अगर आप बहुत कामयाब हैं, आपके पास करोड़ों रुपया है और आपको सिर्फ एक सर दर्द शुरू हो जाए ना, तो वो सारा नीमतें जो है ना करोड़ों, वो ज़ाया हो जाती है। इसलिए आपने जितनी देर जितना भी प्रोग्राम आपने करना है, जो भी प्लान करना है, उस प्लान में सेहत का हिस्सा सबसे पहले होना चाहिए। यानी आपने रोज़ाना की बेस पे अपनी सेहत को भी चेक करना है कि कहीं मैं किसी भी जगह से मैं अब नॉर्मल तो नहीं, मेरी बॉडी वीक तो नहीं हो रही, मेरी नज़र कमज़ोर तो नहीं हो रही, मेरे चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो आपको पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए सेहत को। नंबर 4, लोगों से मेल जोल रखें। अच्छे लोगों से मेल जोल रखें, कामयाब लोगों से मेल जोल रखें। ऐसे लोगों से मत मिलें जिनको मिलने से आपकी बॉडी बेजार हो। ऐसे लोगों से मिलें जो आपको मिलने पर, जिनसे मिलने पर आपकी बॉडी कंफर्टेबल जोन में जाए। नंबर 5, टीवी जो बहुत बड़ा एक डब्बा आपके पास है, इसको कम से कम देखें। अगर बहुत भी देखना है तो उसमें तामीरी प्रोग्राम देखें, क्रिएटिव प्रोग्राम देखें, कल्चर के प्रोग्राम देखें, ऐसे हेल्दी प्रोग्राम देखें जो आपको बेहतर करें, ना कि ऐसे प्रोग्राम देखें जो आपको मायूसी की तरफ ले जाएं या दुख की तरफ ले जाएं। नंबर 6, बचत करें। गैर ज़रूरी अखराजात से इजतनाब करें, यानी कंजूसी मत करें। लेकिन ये याद रखें कि बचत का एक तरीका है कि अगर आप महीने का, आप रोज़ाना का 1,000 रुपया कमा रहे हैं तो आपको 25% जो इसका हिस्सा बनता है उसको एक साइड में निकाल दें और भूल जाएं कि वो आपकी आमदन का एक हिस्सा था। जो वो 25% आप निकालेंगे वही एक दिन आपके लिए बहुत बड़ी रकम बन जाएगी जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगी। तो बचत ज़रूर करें, कंजूसी ना करें। नंबर 7, मतालिया की आदत डालें। पढ़ें, रोज़ाना कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ें। और अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान पाक को तफसीर के साथ और तर्जमे के साथ पढ़ें। आपको हर दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम भी उसका हल आपको कुरान पाक में मिल जाएगा। यानी मतालिया की आदत ज़रूर डालें। और जब आप मतालिया कर रहे हो तो कोई अच्छी बात आए तो उसको नोट करें या उसको टिक करें, और फिर वो जो टिक की बातें हैं उनको महीने बाद या हफ्ते बाद एक पेज पर लिखें। आप देखेंगे कि आपने कितने खूबसूरत मोती जो है वो चुन कर लिख लिए। नंबर 8, मुस्बत सोचें। मुस्बत सोच में तब्दीली लाएं। याद रखें, जब आप किसी के मुतलक बुरा सोचते हैं तो आपकी बॉडी जितने भी बुरे फैक्टर होते हैं उनको रिलीज करना शुरू कर देती है। और वो सबसे पहले बुरा सोचने वाला बंदा जो होता है उसकी अपनी बॉडी पे बुरे असरात आने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप मुसबत सोचते हैं, जिस तरह का मर्जी कोई करे आपके साथ, अगर आपके साथ कोई धोखा कर गया, कोई फ्रेप कर गया, कोई नुकसान आपका हो गया, तो आप उस नुकसान को मज़ीद अपने ऊपर नुकसान ना करें कि आपने लिए नेगेटिव सोच कर या उसके लिए नेगेटिव सोच कर। आप पॉजिटिव एंड में ही रहें। आप जब पॉजिटिव सोचते रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे, तो आपको कभी मायूसी नहीं होगी। आर्जी तौर पर हो सकता है आपको थोड़ी सी मायूसी हो, लेकिन मुसबत सोचने वाला बंदा हमेशा पुरसकून रहता है। और जो पुरसकून रहता है वो करोड़ों का मालिक आदमी भी पुरसकून नहीं रहता, और पुरसकून रहना सबसे बड़ी दौलत है। नंबर 9, गर्म जोश और पुरजोश तरीके से मिले। मुनाफ़िक से किसी को मत मिले। जब भी मिले
अच्छे अंदाज से मिले। आपके सलाम में गर्मजोशी होनी चाहिए, पूरा पुरजोश तरीके से मिले, लचक नहीं होनी चाहिए, मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, झुकाव नहीं होना चाहिए। बारोब अंदाज से मिले, पुरजोश तरीके से मिले, बच्चों को मिले तो बहुत मोहब्बत से मिले, बड़ों को मिले तो बहुत अदब से मिले, दोस्तों को मिले तो गले लग कर मिले और इतनी मोहब्बत से मिले कि आपकी गर्म जोशी जो है वो अगले बंदे को महसूस हो। जब आपकी गर्म जोशी महसूस होगी, चाहे बच्चों को, बड़ों को या आपके हम एज को, तो उसकी पॉजिटिव वेव्स आपकी बॉडी से टकराएंगी और आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स फील करेगी। तो इसलिए मुसबत रहना और मुसबत सोचना और गर्म जोशी से मिलना, ये आपकी कामयाबी के बहुत बड़े जीने हैं। नंबर 10, हम ख्याल लोगों के साथ तल्लक रखें। ऐसे लोगों को मत मिले जो आपके ख्याल से इख्तलाफ करते हैं। अपनी सोच अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके साथ मुतफिक हो या वो आपको मुतफिक कर ले। ऐसे दोस्तों को मिले जो आपको तंज ना करते हों, तनकीद ना करते हों, असला करते हों। इसलिए कोशिश करें कि हम ख्याल लोगों के साथ रابطہ रखें। आपके साथ जब हम ख्याल लोग शामिल होंगे आप तरक्की कर जाएंगे, लेकिन अगर आपके ग्रुप में एक भी नेगेटिव बंदा होगा तो वो आपको ऐसी बात ज़रूर कर देगा जो आपके जेन को टॉर्चर कर देगी। और अगर आपका जेन टॉर्चर हो गया तो समझे आपका एक दिन ज़ाया हो गया, एक हफ़्ता ज़ाया हो गया, एक महीना ज़ाया हो गया। तो कोशिश करें हम ख्याल लोगों के साथ रابطہ रखें। याद रखें, अच्छी बात को आगे भेजना भी बहुत बड़ी एक कामयाबी है और बहुत अच्छे लोगों की ये दलील होती है। मेरी बात अगर अच्छी लगे तो इसको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।